ये है दुनिया की सबसे बड़ी गन जिसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू से पहले बनवाया था। इस गन को गुस्ताव गन कहा जाता है और इसे हिटलर ने स्पेशली फ्रांस की डिफेंस लाइन भेजने के लिए तैयार करवाया था। ये गन तकरीबन 12 मीटर ऊंची, 47 मीटर लंबी थी और इसका वजन ही 1350 टन था। इसका बैरल ही इतना लंबा था कि 22 लोग इस पर लाइन से एक साथ बैठ सकते थे। इस गन की रेंज थी 47 किलोमीटर और उसके बुलेट शेल्स कुछ इस साइज के होते थे जिनका अपने आप में ही वजन 60 टन था। पर वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने इस गन का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया क्योंकि इस गन के काफी सारे ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि इस विशालकाय गन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ते थे जिसके लिए 2000 लोगों की जरूरत पड़ती थी, और इस गन को सिर्फ ऑपरेट करने के लिए 250 लोगों का क्रू लगता था और हजारों टेक्नीशियन लगते थे सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि इसको सही टारगेट पर एम किया हुआ है। और इतना सब कुछ करने के बाद पूरे दिन में ये गन सिर्फ 14 बार फायर की जा सकती थी और हर 300 शॉट्स के बाद इसके मेगा बैरल को रिप्लेस करने की भी जरूरत पड़ती थी। इतना ज्यादा मैन पावर और टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से इसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और माना जाता है कि 1945 में जर्मन्स ने इस गन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ये गन गलती से भी अमेरिका के हाथ ना लग पाए।